जाए तो एनिमल उनमें सबसे धमाकेदार फिल्मों में शामिल है। रणवीर कपूर ने इस फिल्म से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और खुद की एक्टिंग को भी साबित किया है। हालांकि एनिमल के सुपर डुपर हिट होने के बाद रणवीर कपूर के तेवर भी कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। दरअसल रणवीर कपूर ने कई सुपर हिट फिल्में पहले भी दी है, लेकिन एनिमल जैसी कामयाबी उन्हें पहले कभी नहीं मिली। इस फिल्म ने उन्हें टॉप स्टार्स की लिस्ट में सबसे आगे की कड़ी में खड़ा कर दिया है। हालांकि एनिमल में दिखाई गई हिंसा पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे। इसी दौरान खबर आ रही है कि रणबीर कपूर ने अपनी फीस एक-एक बढ़ा दी है। इस फिल्म की शानदार सक्सेस के बाद माना जा रहा है कि रणबीर कपूर ने अपनी फीस में काफी इजाफा किया है। हालांकि ये दावे अभी तक सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में ही है, लेकिन कहा जाता है कि ना बिना आग के धुआं नहीं उठता। एनिमल की कामयाबी का असर बॉक्स ऑफिस के साथ साथ रणबीर कपूर की फीस पर भी देखने को मिला है। मिली जानकारी के अनुसार रणबीर ने अपनी फीस 30 से 65 करोड़ रुपए तक बढ़ा ली है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, रणवीर से पहले भी कई बड़े स्टार्स ऐसे ही अपनी फीस एकाएक बढ़ा चुके हैं। अक्सर फिल्म में हिट होने के बाद सितारे इसका फायदा उठाते हैं। दूसरी ओर बात करें उनकी फिल्म एनिमल की, तो अभी तक फिल्म थिएटर में अच्छी खासी कमाई कर रही है। गौरतलब है कि रणवीर कपूर की पिछली हिट फिल्म संजू थी, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 342 करोड़ था। दूसरी तरफ एनिमल फिल्म की कमाई पर नजर डाले तो वो 1000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। 44वें दिन भी लाखों के कारोबार में उसकी टिकटें बिक रही हैं। ऐसे में रणवीर कपूर का एकाएक फीस बढ़ाना कोई हैरानी की बात तो नहीं है। रणवीर कपूर के अगले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो नीतीश की रामायण में जल्द ही नजर आने वाले हैं। इसकी तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं।